हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं अपने 1D एरे के लिए। ओके, इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए फोर लूप और जो भी एरे का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा अभी तक वो सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट एरे लेंथ। ओके, और एक स्कैनर क्लास यानी कि गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, ये तो आपको आना ही चाहिए। ओके, सो देखते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसके लिए सबसे पहले एक हम लोग इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आपको कितना इंटीजर वैल्यू होल्ड करना है, फिर कितने का आपको मेमोरी चाहिए यानी कि कितना इंडेक्स चाहिए आपको, कितना मेमोरी चाहिए, वो हम लोग यूज़र से पूछते हैं। जो भी यूज़र इनपुट करता है वो एन में जाकर स्टोर होगा। फिर हम लोग यहाँ हम लोग क्या करते थे कि यहाँ 5 हम लोग साइज लिख दिया करते थे, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं बल्कि हम लोग इस वेरिएबल को जिसमें कि यूज़र दिए के द्वारा दिया गया हो वैल्यू स्टोर होगा, वो वेरिएबल हम लोग यहाँ लिखते हैं और इसका हम लोग आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। आई होप कि ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ये एग्जाम्पल बहुत पिछले वीडियो में देखा है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ एक यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कोड के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि डायनेमिकली कैसे इसको हम लोग यूज़र से स्टोर करवाते हैं, मतलब डायनेमिकली कैसे इसका एलोकेशन होता है। यूज़र डिसाइड करेगा कि इसको कितना इंटीजर वैल्यू इसमें होल्ड करना है। ओके, सो यहाँ हम लोग एक सिंपली एक मैसेज देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ मैसेज में रहा है नंबर ऑफ आइटम्स या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ मैं इसको एलन हटा देता हूँ, सिर्फ प्रिंट रहने देता हूँ। ठीक है, ओके, नाउ ये जो इंटर करेगा, ये इंटर करेगा, कुछ भी इंटर करता है, ये होल्ड कहाँ होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं एन नाम का इक्वल, और हमारे पास जो ओ बी जे है जो कि स्केलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग नेक्स्ट इंट के थ्रू इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा कि यूज़र जो भी इनपुट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट में, जो भी इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा एन में। ठीक है, अभी एन में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि नंबर ऑफ इंडेक्स कह सकते हैं आप, या फिर नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट है। तो यहाँ जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट उसने 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग 5 इंटीजर वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, यानी कि साइज कितना हो गया 5। तो यहाँ एन में स्टोर होगा जो भी होगा इंटर इनपुट के द्वारा यूज़र के द्वारा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 5 को हटाकर एन कर देते हैं। ओके, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट बंद, यहाँ हम लोग एन लिख देते हैं और इसको ब्रैकेट बंद। ओके, इससे क्या होगा, यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा हम लोगों को, प्लस और एक प्लस इधर। ओके, ठीक है, अभी इसमें क्या हो कि इंटर एन, एन मतलब एन में जो भी यूज़र इनपुट करेगा वह आएगा, उतना इंटीजर वैल्यू आपको इनपुट करना है। ठीक है, अभी लूप कितनी बार चलेगा मुझे पता नहीं है, लूप चलेगा उतनी बार जितनी बार एन में वैल्यू स्टोर होगा, तो हम लोग यहाँ सिंपली एन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ भी एन कर देते हैं। ओके, नाउ इसको हम लोग रन करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग स्टोर करने वाले हैं, मान लीजिए कि 5। ओके, सो इंटर 5 इंटीजर, यहाँ आप जिसके देख पा रहे इंटर 5 इंटीजर, यहाँ स्पेस देना पड़ेगा आपको, इंटीजर 5 इंटीजर, हम लोग 5 इंटीजर वैल्यू इंटर कर रहे हैं, और आपको यहाँ आउटपुट मिलेगा 111 122 133 445। ओके, सो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ जानना है कि लेंथ कितना, मतलब यूज़र ने कितना इनपुट किया है, अगर वो अभी आपको डिस्प्ले करना है तो आप वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ आप लिख सकते हैं एन डॉट लेंथ, नम डॉट लेंथ, एक्चुअली नम डॉट लेंथ। ओके, इसको हम लोग रन करें तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, मान लीजिए किस बार हम लोग 4 इंटर कर रहे हैं, 111 122 133 144,
तो आपको यहाँ मिलेगा यू इंटर्ड 11, 12, 12, 13, 14, और ये 4 आपका साइज है, ठीक है। आप चाहें तो इस एन की जगह ये नाम लेंथ भी लिख सकते हैं यहाँ लूप चलाने के लिए, ठीक है। सो इसको देखिए, इसको हम लोग रन करते हैं फिर से, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखिएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग इंटर करते हैं फिर से, अभी हम लोग 3 इंटर करते हैं, 3 डिजिटल वैल्यू 11, 12, 13। ओके, ये बता देगा 11, 12, 13, जो भी था। ओके गाइस, सो यही है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।